पेश करते हैं रोहिता एंड रोहनी रोहनी आंख नीचे करके बात करा करो मुझसे। जब भी मैं सामने आऊं तो ऐसे नमस्ते करके थैंक यू साहब जी फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। आंख नीचे। हाँ जा आंख नीचे। एक पत्नी को एक पत्नी के दायरे में रहना चाहिए। वो कौन सा दायरा होता है मुझे नहीं पता। बनवाओ तुम्हारा दायरा। क्या दायरा बनवाओगे तुम? ज्यादा छूट दे रखी है मैंने तुमको। अच्छा अच्छी बात नहीं है। मैंने भी ज्यादा छूट दे दिया जब तुम ये बकवास कर रहे हो। एक मुक्का पड़ेगा नाक पे तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अबे साले क्यूट मत लगो, चलो वहां जाके बैठो। देखो अभी तुम थोड़ी देर बाद ऐसे भी बैठोगी और तुम मेरा कहा मानोगी। वेट फॉर गाइज 2-3 मिनट्स। अ फ्यू इंचेस लेटर। बैठी ना बैठी ना। इसी तरीके से सभी बात मान लिया करो और थोड़ा जल्दी आई बड़ी पिटपिटा जाएगी फालतू में। रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये चंचल हवा चलो वेट माय चेस्ट कमीनी कुत्ती। ड्रोन लेके फाइनली मैं लिफ्ट में आ चुका हूँ बिकॉज मैं लिफ्ट में ड्रोन उड़ाऊंगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। ब्लॉगिंग वाली लाइफ में आपके हाथ में जितनी बार कैमरा हो उतना अच्छा है बिकॉज प्रैक्टिस आप करते रहते हो एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वुमेन का मुझे पता नहीं बट मैन जरूर परफेक्ट हो जाते हैं। और ड्रोन जितना ज्यादा उड़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। या मैं तो ये सोचता हूँ FPV वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे ड्रोन उड़ाते हो भाई। जू 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 कोशिश जारी है, कर लेंगे हम कभी ना कभी। तो अरे चल ही रहे क्या? बटन दबाया लिफ्ट का और 21 वालों ने दबा दिया। मुझे 2 फ्लोर नीचे जाना और अब तुम्हारी वजह से मैं 21 तक आई हूँ ऊपर और अब नीचे जाऊंगी। You do remember तुमने लिफ्ट वाला चैलेंज किया था एक भूत वाला, उस पे न जाने तुम कितनी बार ऊपर नीचे गई थी। वो चैलेंज था आज भी ना, मतलब मेरे को शौक नहीं है कि मैं लिफ्ट में खड़े होकर टाइम। क्या तुम पे मुझ पे गुस्सा कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। गुस्सा चैलेंज खत्म हो चुका है, दैट डजंट मीन कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगी। चैलेंज खत्म हो चुका है पर गुस्सा तो मैं तुम पे कभी भी कर सकती हूँ। दीदी हो तुम्हारी ठीक है, मुझे पूरा हक बनता है। आई डिनाई राइट नाउ इसी पल कि तुम मेरी बीवी हो। अब बीवी तो नहीं, किस पर रुकी हुई है? नीचे चल लो। तो तुम बटन दबाते क्यों नहीं हो? सारा काम मेरा क्या है? डोंट यू अंडरस्टैंड कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ? ये नहीं कि नीचे कुछ काम हो वो कर ले पहले। बहुत हाथ चल रहे तुम्हारे। तुम्हारे क्यों? बहुत हाथ। अरे कितने गई? सुनो मेरे बालों में से जू निकाल देना। तुम बंदरिया हो, मैं तुम्हारा बंदर। अरे निकालो सच्ची में है। ऐसे पकड़ के ना, अब मैं जो तुम्हें पकड़ के गिरा गिरा के मारूंगा ना पत्थर के साथ। कोरोना का टाइम फिर से आ चुका है और हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम घूंघट क्यों डाल रही हो? शादी हो चुकी है तुम्हारी। मैं घूंघट नहीं डाल रही हूँ, इट्स लाइक मैं टोपी नहीं लेकर आई और मुझे ठंड लग रही है। अबे जाओ तुम, तुम्हें इतनी ठंड क्यों लगती है यार? चलो चिड़ियारू खेलते हैं, पहले काम की बात कर लेते हैं। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल की स्ट्रेस वाली लाइफ में यू नो अपन लोग हेयर फॉल और ब्रेकेज वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लोगों के बाल उड़ जाते हैं। चिड़िया उड़ से मुझे याद आया, जिस तरीके से हमने रोहन के बाल उड़ाए थे, खैर वो डिफरेंट केस सिनेरियो है। याद आया तुमने मेरे भाई के कैसे बाल उड़ाए थे? बीच में से ऐसे ट्रिमर चलाया था, यहाँ आई बटन पे चेक कर लेना। खैर मैं भी उनमें से एक हूँ, कंसीडरिंग ऑल द वर्क आई हैव बीन डूइंग विद माय ऑफिस। और नॉर्मल है ये सब कंसीडरिंग हमारी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो रही है विद पैंडेमिक और उसमें चम्मच भर के स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बेलेंसेस, और तो और ये हेरिडिटरी भी हो सकती है। ऐसे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा बायोटिन फ्रॉम ओजीवा, जो कि प्लांट बेस्ड बायोटिन है और इंडिया का फर्स्ट होल फूड बायोटिन, 100% नेचुरल। और एक मंथ से मैं इसे यूज भी कर रहा हूँ। इसमें हर्ब्स लाइक आमला, बैम्बू शूट एटसेट्रा, जो कि हेल्प करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ में और हेयर को शाइन भी देता है। ये लिया मैंने 2 स्कूप 100 to 150 ml ऑफ वाटर। इसकी एब्जॉर्प्शन कम्पेयर टू ऑल दी बायोटिन बहुत ही सही है और पी लो। इसे आप दिन में कभी भी पी सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ऐसे में ये सपोर्ट करता है हेल्दी नरिश्ड हेयर, फुल बॉडी बॉडी जिम वाला हो गया मैं, फुल बॉडी रेडियंस सो यू कैन लुक एंड फील अमेजिंग एवरी डे। कहाँ से बाय करना है आपको पता ही है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो इन केस यू हैवंट नोटिस, मैंने अपने हेयर स्टाइल चेंज कराया। मेरा फिर से प्लान है कि मैं बाल बड़े करूंगा, तुम्हारी नजर ना लगे उस पे। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तुम्हारे बहुत बड़े बाल हैं और तुमने तो इस बार कलर भी करवाए हैं। यू डू अंडरस्टैंड मैं तुम्हारे बालों को कलर भी कर सकता हूँ किसी अलग तरीके से, जैसे तुमने मेरे शूज को स्प्रे पेंट किया था। सुनो तुम नहीं कर,
We will see. चलो अभी आपको मस्त मस्त कोशिश करता हूँ ड्रोन शॉट देने की, लेकिन उससे पहले शिल्पा उड़ाएगी आज ड्रोन। चलो बेब्स, मेरी एक दिन की नौकरानी हो गया वो, ठीक है। अच्छा गाइस, बाय द वे जस्ट टू टेल यू, वो वीडियो अभी रोहन निधि वाली इसलिए नहीं आ रही बिकॉज़ निधि की तबीयत थोड़ी खराब है, तो आएगी। इट्स नॉट लाइक मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबसे पहले मैं ही पिटा था। चलो एक बार शॉर्ट एक बार लॉन्ग प्रेस ऑन करो। शिल्पा की चल रही है ड्रोन ट्रेनिंग फ्रॉम द नूब। डायगोनली पीछे लेके जाओ ये, अब इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले, ऊपर अम्मा, आराम से बहुत बढ़िया जानेमन। कैन यू सी एवरीथिंग? यस। इससे लेफ्ट राइट, इससे ऊपर नीचे। चलो आज से उड़ाना सिखाना था, नाउ एंजॉय द ड्रोन शॉट। वी फॉलन फॉलन डाउन वी फेडिंग बट आई नो दैट वी कैन सेव इट cuz वी लाइक अल्फा एंड ओमेगा। Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out, Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Do let me know in the comment section, aapko drone shot kaisa laga? Koi khol do. Oh, khula hai. Bata nahi sakti hai. Har cheez hai wo. Bach gaya na main. Ye dikh raha hai? Ye. मेरा घर है, नहीं आने दे रही। मैं इसका बिजली का बिल भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। बिजली का बिल तेरा पति भरेगा? हाँ। ओ, गिरा दी मम्मी, लैपटॉप गिरा दी। चुनरी सुनो, तमीज से रखो, ठीक है? बहुत महंगी है वो। कितनी महंगी है ये? तो 5,000 की है। हाँ जी बोलिए। एक चुनरी किस लिए? चुन तो? नहीं तो चुन। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। रोहित मेरा नाम लिखा है। अब हम आपका मेकअप करेंगे। ओह, तो अब तुम चुने गए हो मेकअप के लिए। वैसे करना क्या था? मेकअप मेकअप करेंगे। ये यार मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा मैं भी करने वाली हूँ। ओके, अगर मैं मेकअप करवा लेता हूँ, लेट्स से 0.1% चांस अगर मैं मेकअप करवा लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? गोबर। तुम खा लो। मुझे क्या मिलेगा? सीरियस आना, सीरियस टॉक। चल हलवा खिला दूंगी। ओके। कौन सा? गाजर का। बनाएगी? गाजर के हलवे के लिए कर सकता है? नहीं बनाऊंगी नहीं। ठीक है मैं करवा सकता हूँ। मतलब तुम गाजर के हलवे के लिए मेकअप करवा सकते हो? बस गाजर के हलवे के लिए। अब तुम्हारा मेकअप होने वाला है। अच्छा, तो उस चीज को अच्छे से। ओए रोहन भी आ गया। ये अभी सीन ये है, निधि और भाभी ना मेकअप करने वाले हैं, मैं करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तू मेरा जुड़वा भाई है, तो अगर मैं करवाऊंगा तो तेरे साथ भी होगा ऐसा कुछ, है ना? है ना? नहीं साल का डिफरेंस है। आजा जा मैं नहीं कर रहा। है कौन हुआ? मैं जानती हूँ। आप मेकअप करवाने हैं? दोनों भाई बिकाऊंगे। ओ बेटे, मतलब अब तो रोहन जाएगा स्टार बकस। तो इस पर्ची के आधार पर तू मेरे फेस पे कार्ड बनाने वाली है? और बहनों, हम अभी आपके सामने पेश करने वाले हैं। तुम भाई मास्क पहन के आओ पहले। वो तो मैं अच्छी हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छी किस्मत कहाँ? अभी हम इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। अब तुम इसके बाद ब्यूटी चैनल खोलने वाली हो ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पेश करते हैं रोहिता एंड रोहनी। रोहनी ये देखिए।
ये देखिए who's looking beautiful? मैं, ठीक है, मैं आपको भी कैटवॉक करके दिखाऊंगी. करो. और ये तो देखो, ये देखो. Oh my god. Love bites. What is this going on? I'm straight, okay? Let me गाजर का हलवा चाहिए. सुनो, क्या इसको उतारना भी है? सुनो, अगर मैं कमीनी, रोहन जी क्यों नहीं लगाया बाल? क्योंकि मेरे पास एक ही थे. लड़े. ब्यूटी ब्लॉगर मेरा भी उतारो यार. रोहन के साथ ये अच्छा था. मेरा भी उतारो यार. देखो तेज हो रहे हो. तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, कमेंट जरूर करना. साथ में कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा मोमेंट ज्यादा अच्छा लगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा था. मी तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे. चलते चलते ढंग से उतरना चाहिए. एक बार पर्ची तो दे, पर्ची में था क्या? दोनों पर्चियों में तुम्हारा ही नाम था. ये निधि ने कहा रन तेरी बहस की.